हेलो एवरीवन, मैं हूं मधुस्मिता और मेरे चैनल ब्लॉसम ऑफ हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके साथ VLCC की लवंग मॉइस्चराइजर की रिव्यू शेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी इसका 3 यूजेस। सो वीडियो को टिल एंड तक देखिए। सो बेसिकली इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट है इसका पैकेजिंग, 2 है इसका यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस और 3 है इसका यूजेस। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है इसका पैकेजिंग। पैकेजिंग कुछ इस टाइप का है और ये एक पेपर बॉक्स में आता है और ये एक ही पैकेजिंग में आता है और इसका क्वांटिटी है 100 ml और इसका प्राइस है 160 rupees। सो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको ये ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता मिलेगा, इसलिए आप चाहे तो इसको ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। सो इसमें लिखा है कि ये नॉर्मल टू ऑयल स्किन के लिए है और ये मॉइस्चराइजर लवंग से बना हुआ है। तो आप जानते हैं लवंग बहुत ही एक हर्बल प्रोडक्ट है और ये स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो इसका जो अंदर की पैकेजिंग है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो बोतल है वो बहुत ही हैंडी है और आप इसको बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसके जो बॉक्स के अंदर आपको एक पेपर मिलेगा, इस पेपर में लिखा है कि आप कैसे इसको यूज़ करेंगे और इसमें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स है इसमें, ये सब इसमें डिटेल्स लिखा है। सो ये था इसका पैकेजिंग। अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में है इसका ऊपर मेरा रिव्यू और मेरे एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसे यूज़ करने के बाद। इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ आफ्टर क्लीनिंग माई फेस और ये कुछ इस टाइप का है और ये स्किन पे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसलिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये स्किन को एक अच्छा सा मैट लुक देता है जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसलिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर ये स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, अगर आपका स्किन ड्राई हो तो ये मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये स्किन को और भी ड्राई कर देता है और इसको लगाने के बाद आप एक सेंसेशन से कूलिंग फीलिंग करेंगे अपनी स्किन पर क्योंकि इसमें लवंग है। ये स्किन पे ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है और जिनका फेस पे ज़्यादा पिंपल और एक्ने का प्रॉब्लम है उनके लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपकी स्किन ऑयली से नॉर्मल स्किन है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सो थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊँगी ये मॉइस्चराइजर आपको किसी तरह से यूज़ करना है। सो पहले ये मॉइस्चराइजर स्किन को एक मैट लुक देता है, इसलिए आप एज ए मेकअप प्राइमर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है कि पिंपल और एक्ने अगर हो जाता है फेस पे, अगर रैसेस भी हो जाता है तो आप इस मॉइस्चराइजर को अपनी फिंगर टिप्स पे लीजिए और अपनी फेस पे और जहाँ पर आपकी रैसेस हो वहाँ पर आपको लगा दीजिए और इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। आप देखेंगे इसकी वजह से आपकी पिंपल और रैसेस कम हो जाएगी। थर्ड पार्ट है अगर आपकी स्किन में इचिनेस है, जलन होता है या रेडिस हो गया है तो आप इस मॉइस्चराइजर को यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से आपको क्विकली रिलीफ मिलेगा। तो ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट को आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और भी मेरे से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।